हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म में और एक कंपनी में क्या अंतर होता है। तो आइए देखते हैं। नंबर वन जो इसमें अंतर है, जो पार्टनरशिप फर्म है वह साझेदारी फर्म का उसके सदस्यों से पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता है। मतलब जो एक पार्टनरशिप फर्म होती है उसका जो अस्तित्व है वह सिर्फ उसके जो सदस्य हैं उनके ही द्वारा होता है। उनसे अलग उसका कोई सदस्य ही सदस्य से अलग उसका कोई महत्व नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है। और कंपनी क्या होती है? कंपनी एक विधिक व्यक्ति होती है। मतलब यह एक विधिक व्यक्ति है, एक कानूनी व्यक्ति है, तथा उसका उसके सदस्यों से पृथक और स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। नंबर सेकंड क्या अंतर है दोनों में? जो साझेदारी फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म जो होती है, साझेदारी फर्म का जन्म संविदा द्वारा होता है। मतलब जब इसमें पार्टनर होते हैं, इसमें मिनिमम दो पार्टनर की ज़रूरत होती है साझेदारी फर्म को खोलने के लिए। तो जब वे दोनों पार्टनर आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तब ये पार्टनरशिप फर्म की उत्पत्ति हो पाती है, इस्टेब्लिश हो पाती है। तो ये इसकी जो जन्म होता है वह एक संविदा से होता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है इसमें। और जो कंपनी होती है, कंपनी का जन्म कानून द्वारा होता है। मतलब इसमें इसमें क्या होता है, कंपनी होती है, कंपनी का जन्म जो है वह कानून द्वारा होता है। कानून में रजिस्ट्रेशन वगैरह पूरी प्रक्रिया बताई गई है, उसके द्वारा होता है, कानून के द्वारा। और नंबर तीन को क्या अंतर है? साझेदारी में साझेदार फर्म का एजेंट होता है। मतलब यह है, ये जो साझेदार जो होते हैं, इसके जो पार्टनर होते हैं वो एजेंट की तरह होते हैं। और कंपनी में कंपनी का अंशधारी कंपनी का एजेंट नहीं होता। मतलब कंपनी का जो अंशधारी होगा, मतलब जो शेयर होल्डर होगा कंपनी का, वह उसका एजेंट नहीं बन सकता है। नंबर चार क्या अंतर है? साझेदारी फर्म में सामान्यतः कम से कम दो और अधिक से अधिक 20 साझेदार होते हैं, किंतु बैंकिंग व्यवसाय में 10 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। मतलब साझेदारी फर्म को स्टार्ट करने के लिए कम से कम दो सदस्य चाहिए, क्योंकि दोनों सदस्य आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और मैक्सिमम इसमें 20 सदस्य हो सकते हैं, 20 साझेदार हो सकते हैं, 20 पार्टनर हो सकते हैं। परंतु जो बैंकिंग वाले व्यवसाय हैं, जो बैंकिंग ऐसी जो ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जो बैंकिंग से रिलेटेड है, उसमें 10 हो पाएंगे मैक्सिमम। और कंपनी में क्या है? नंबर फोर, प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम अंशधारी दो, मतलब न्यूनतम जो अंशधारी होंगे वो दो होंगे। प्राइवेट कंपनी की बात करें, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो अंशधारी होंगे, शेयर होल्डर होंगे, वो दो होंगे और अधिकतम 50 होंगे। मतलब अधिकतम 50 हो सकते हैं और मिनिमम दो होते ही होते हैं अंशधारी। और पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 सदस्य होंगे और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, अधिकतम की कोई सीमा ही नहीं बताई गई है। ठीक है, नंबर पाँच क्या अंतर बताया गया है? नंबर पाँच देख लेते हैं। इसमें नंबर चार हमने देख लिया, अब नंबर पाँच क्या अंतर है? नंबर पाँच है इस के पार्टनरशिप फर्म में दायित्व असीमित होता है। मतलब इसमें जो दायित्व होता है वो असीमित दायित्व होता है, और कंपनी में दायित्व सीमित होता है। मतलब इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। अब पार्टनरशिप फर्म में नंबर सिक्स में क्या अंतर बताया गया है? कि साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति के बिना अपने हित का अंतरण नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर किसी पार्टनर को अपने हित का अंतरण करना है तो उसे दूसरों से सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, और कंपनी में नंबर छः क्या बताया गया है? कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का अंशधारी स्वतंत्रता पूर्वक अन्य अंशधारी की सहमति के बिना ही अपने हित का अंतरण कर सकता है। नंबर सेवन क्या बताया गया है? प्रत्येक पार्टनरशिप फर्म में प्रत्येक साझेदार फर्म के प्रबंध में भाग लेने का अधिकारी है। मतलब प्रत्येक जो भी साझेदार होगा वो फर्म के जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, उसमें भाग ले सकते हैं, उसका अधिकार है ये।
और कंपनी में क्या है, अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इसका प्रबंध संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, मतलब इसमें जो इसके जो अंशधारी हैं वो मैनेजमेंट में भाग नहीं लेते, इसका जो संचालन होता है वो संचालन मंडल द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। नंबर 8 क्या है, किसी भी साझेदार की मृत्यु के साथ साझेदार समाप्त हो जाती है, मतलब अगर साझेदार किसी भी पार्टनरशिप फर्म के किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो गई तो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और कंपनी में अंशधारी की मृत्यु से कंपनी समाप्त नहीं होती, मतलब कंपनी क्या है, कंपनी का जो अस्तित्व होता है वह उसके साझेदारों से अलग होता है, मतलब उसके जो अंशधारी होते हैं उनसे कंपनी